गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हाँ, यह व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह सुबह। कैसा लग रहा है? मेरा चेहरा ऑयली ऑयली। मैंने वो भी फेस वॉश भी नहीं किया है, बस मैं अभी चाय चढ़ा के आई हूँ एंड अब ब्रश कर लिया है। फेस वॉश करना भूल गई, पता नहीं कैसे मैं भूल गई है फेस वॉश करना। ये सारे बाल अभी कुकिंग वगैरह की है ना, तो सब गीले हो गए। ये रहा मेरा कूलर, इसकी मैं खा रही हूँ हवा। आपको आवाज़ शायद आ रही होगी ज़्यादा। आज एक्चुअली हुआ ऐसे है कि संदीप और सौरभ दोनों साथ ही चलेगा, 8:20 8:25 दोनों चलेगा। संदीप को प्लॉट पे जाना था, थोड़ा सा काम रह गया है और साथ के साथ आज उन्हें ऑफिस में जल्दी पहुंचना है, तो इसलिए तो मैंने इमीडिएटली उन्हें खाना बना के दिया। एक तो बताते नहीं हैं, नाइट में बता दें कि मुझे जल्दी जाना है तो मैं रात को प्रिपेयर कर लूँ, तो सुबह थोड़ी हबड़ हबड़ हो जाती है, एकदम से नींद भी नहीं खुल पाती, और इसलिए। बट मैंने जैसे तैसे उन्हें लौकी की सब्जी बना के दी, शौर्य को आलू का पराठा, दोनों बाप बेटे चले गए। आज मैं पहले दिन थोड़ा जल्दी फ्री हो गई, बट मुझे आलस आ रहा है और सुस्ती आ रही है। जिस चाय चढ़ा के आई हूँ, फेस वॉश करती हूँ एंड फिर ब्रेकफास्ट करती हूँ। ब्रेकफास्ट सिंपल होगा, चाय रस चाय बिस्किट, इसके अलावा कोई ब्रेकफास्ट नहीं है। तो 2 मिनट बाद आपसे मिलती हूँ। आई एम बैक। हाँ, पूरे की आवाज़ से शायद आपको थोड़ी आवाज़ ना आ रही हो। हाँ, जस्ट फोन आ गया था इस वजह से। अब मैंने कूलर बंद कर दिया, आपको शांति फील हो रही होगी, मेरी चाय ठंडी होगी। वैसे भी मैं ठंडी करके चाय पीती हूँ। ये है मेरा ब्रेकफास्ट, रस बिस्किट और ये कल मिलाई मूंगफली वाली नमकीन। मैं बहुत अच्छी लगती हूँ मूंगफली वाली नमकीन, यम्मी यम्मी। ये तीखी भी है। कल मैंने डिनर में बनाई थी भेलपूरी और गोलगप्पे। कल का हमारा डिनर यही था। क्यों था? क्योंकि संदीप लेट हो गए थे। नहीं नहीं हाँ, इसलिए था क्योंकि कल आटा ख़त्म हो गया था और नीचे वाली शॉप खुली नहीं थी, तो मैं शॉप से लेने गई थी, तो मुझे 8:30-9 बज गए। गर्मी में हाय 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 शौर्य के साथ गई थी तो थक गई, तब मैंने कुछ नहीं बनाया। दिन की सब्जी रखी थी, तो मैंने संदीप से पूछा आप बोलोगे तो मैं दाल चावल बना दूंगी। उन्होंने कहा नहीं ठीक है, कुछ हल्का ही बना लो। मैंने भी थोड़ा बहुत इवनिंग में स्नैक्स लिया है, तो फिर सॉस चटनी सौंठ और चटनी दोनों रखी थी, तो मैंने भेलपूरी बना दी। हाँ, माइक में जल्दी लूँगी, मुझे बहुत इशू रहता है इससे। और क्या था, मैंने अब ये व्लॉग मैं अराउंड 4 डेज बात कर रही हूँ, मैंने बीच में कोई व्लॉगिंग नहीं की है, बस थोड़ा सा मन हट जाता है मेरा, होता है। मैं आप लोगों को बार बार नहीं डिस्कस करना चाह रही हूँ, बट बीच बीच में मेरा मन हट जाता है। थोड़ी बहुत मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ रिव्यूज़ वीडियोज़ और एक दो और मैंने शूट करके रखी हैं, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अब 2-3 महीने कोशिश करूँगी कि बेस्ट टू बेस्ट वीडियोज़ आपको दे सकूँ, आप लोगों को भी पसंद आए, उधर वो वायरल भी हो जाए, तो मेरे को भी थोड़ा सा बेटर फील हो इस तरह से। तो मेरी चाय ठंडी हो गई, मैं पी लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, आप सोचोगे कैसे उज्जरा सेवन से बैठे। फ्रेंड्स, ये व्लॉगिंग होती है, इसमें मैं हर समय सच सवर के नहीं बैठ सकती हूँ। आपको मेरा रियल फेस, मेरा रियल ड्रेसिंग, मैं किस तरह से रह रही हूँ वो सब दिखेगा। कुछ यूट्यूबर्स होते हैं जो सुबह से इतनी भयंकर लिपस्टिक लगा के बैठते हैं, सच्ची बता रही हूँ। मैं तो ओकेजन्स पर भी लिपस्टिक नहीं लगाती एंड उनकी लिपस्टिक देख के ना मुझे भी कुछ इरीटेशन हो जाती है। मीन्स अच्छा लगता है मेकअप करना, लेकिन ये नहीं है कि आप पूरे दिन मेकअप पोत के बैठे हो, सुबह नहा धो के आए और ये पर्पल वालों ने उन्हें लिपस्टिक भेज दी है, तो मज़े से बस अब उन्हें यूज़ करना है। मैं भी अपने दिन का वेट कर रही हूँ कि कल को मुझे भी अगर पर्पल वाले भेजेंगे तो मैं भी यूज़ करूँगी, बट इसका मतलब नहीं है कि मैं सुबह से तैयार होकर बैठ जाऊँगी। चलो इस बात को छोड़ते हैं। ये मेरी टी शर्ट, आउच, ये होली की टी शर्ट है, जो कोई लेगा तो है नहीं, तो मैं सोची हूँ डस्टिंग कपड़े ख़त्म हो गए, इसी को कट करके इससे डस्टिंग का कपड़ा बना लेती हूँ। इन्हीं पुरानी टी शर्ट से मैं डस्टिंग कपड़ा 3-4 पार्ट में से काट दूंगी। ये टी शर्ट मैंने ली थी दिल्ली में ली थी, वो जो मंगल बाजार लगता है ना, उसमें से ली थी, 130 की, मुझे अच्छे से याद है। शौर्य मेरे पेट में था तब ली थी, तो थोड़ा एक साइज़ बड़ा लिया था, तो ऑब्वियसली प्रेगनेंसी में ये नॉर्मल से ज़्यादा लूज़ हो गई थी, एक साइज़ बड़ा था। लेकिन उसके अलावा आप उस ड्रेस में पहनते तो ऑब्वियसली कपड़ों का जो एंगल होता है वो ख़राब हो जाता है। तो मैंने जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, तो मैंने 2-3 कुर्तियाँ लूज सिलवा रखी थी और मैं संदीप की टी शर्ट्स पहना करती थी। और क्या पहनती थी मैं, फ्रॉक वाले सूट वगैरह पहन लो, फ्रॉक वाले सूट में, क्योंकि वेस्ट पे अपने आप लूज आता है, तो इसलिए। तो देखो मैंने इसे फाड़ दिया और इधर कपड़े भी पड़े हैं, इन्हें भी मुझे तय लगाना है। गर्मी है
ये रहा गर्मी, इसे फाड़ लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। निकल गया पूरा ये कॉटन का इतना बड़ा कपड़ा। इसको हाफ कर दूंगी, बीच में से कट कर लेती हूँ। और कॉटन के कपड़े बहुत सही रहते हैं डस्टिंग के लिए, मेरे बाल ना कट जाएं। अभी मैं नहा कर आई हूँ और मैं टीवी देख रही हूँ। मेरा मतलब टीवी मेरा हर समय चलता है, मैं जब सोती हूँ तब भी मैं टीवी टाइमर लगा के छोड़ देती हूँ। आई एम एडिक्टेड टू टीवी एंड बट अब यूट्यूब ज़्यादा हो गया है तो टीवी थोड़ा कम हो गया है। सो मैं अपना डियो और लिप बाम ढूंढ रही थी, ये मैं हमेशा अपने साथ कैरी करती हूँ, तो ये मैंने अपने पर्स में से निकाला है। मीन्स एक बैग लेके जाती हूँ जो मैं ताज महोत्सव वाला, मैंने आपको पहले अपनी हॉल वीडियो में दिखाया था। लिप बाम और डियो मैं हमेशा कैरी करती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी बॉडी ऑडर का इशू रहता है एंड मैं होठों को मतलब मेरे होठ जब फटते हैं तो मैं उन्हें बहुत वो कर देती हूँ जिससे कि उसमें से ब्लड आ जाता है। तो इस वजह से मैं हमेशा लिप बाम रखती हूँ कि जैसे ही मुझे कोई फीलिंग आए कि मेरे होठ फट रहे हैं मैं इमीडिएटली लिप बाम लगा लूँ। एंड ये कलर्ड वाला लिप बाम है तो लिपस्टिक का भी काम करता है। आपने देखा होगा मेरे को बहुत सारी वीडियोस में मैंने लिपस्टिक नहीं लगाई होती है, हल्की सी शाइन आ रही होती है, तो वो मैं यही वाला लिप बाम लगाती हूँ। मुझे लिपस्टिक बहुत खास पसंद नहीं है बट जब ओकेजन्स होते हैं थोड़ा बहुत जाती हूँ तो लगाती हूँ, अदरवाइज़ मैं नॉर्मल ही पसंद करती हूँ। मैं लेट हो गई थी तो मैं जल्दी से शौर्य को लेकर के आई। शौर्य हॉल में है एंड मेरे बाल कोम करने रह गए थे बस। अब शौर्य ऊधम आते उसका ऊधम शुरू हो जाता है, कुछ खेलेगा और फिर वो गिर जाएगा एंड रोने लगेगा। तो अब बस मैं उसके कपड़े वगैरह चेंज करती हूँ। शौर्य को स्कूल से आके अब टीथ करना है। जब से उसके दांत लग गए हैं वो हमेशा कहता है मम्मा मुझे टीथ करना है, क्योंकि उसको अब कंफर्टेबल रहता है। एंड उधर मैं अपने लिए ठंडा पानी लेके आई थी, उसे भी पिला दिया एंड खुद भी पी रही हूँ। शौर्य को ले आई मैं एंड मैं हेयर कॉम कर रही थी, मैं भूल गई, मीन्स लेट हो गई थी मैं नहाने में। नीचे से कॉम कर लेती हूँ और क्या पता है मेरे फ़ोन में बिल्कुल चार्जिंग नहीं हो रही। अभी मैं फ़ोन चार्जिंग पे लगा के गई थी, अभी 15 मिनट तो मुझे लग ही जाते हैं शौर्य को लेके आने में, तो देखा वहीं का वहीं था और 7% है अभी चार्ज जिस पे मैं आपसे व्लॉगिंग कर रही हूँ। एक रीज़न ये भी है मेरा व्लॉगिंग ना करने का, मैं दुखी हो जाती हूँ इस फ़ोन से। मुझे यूज़ भी करना होता है, एडिट भी करना होता है, रिकॉर्डिंग भी करनी होती है और ऊपर से शौर्य लटक जाए तो वो अलग बात। तो जल्दी ही हम नया फ़ोन लेने की प्लान में है। अरे ठीक है चैनल क्विट करती हूँ, करूँगी जबकि तब देखी जाएगी, लेकिन एक नया फ़ोन की मुझे नीड है। कैमरा क्लीन करेगी, हो गया कि कर लो बेटा फेस वॉश कर लो। वो आते ही अब ब्रश कर रहे हैं और फेस वॉश कर रहे हैं और आते ही गिर गए। उधम उधम उधम, भूख लग रही है मुझे। 12 बज रहे हैं, थोड़ी देर बाद खाना बनाऊँ, खाना खाती हूँ। लौकी टमाटर वाली लौकी बनाई है, कल की भिंडी भी रखी हुई है, दोनों हरी हरी सब्जी राम राम राम, ये हरी सब्जियाँ। और मुझे स्टफ शिमला मिर्च भी बनानी है, वो मैं आज ही बनाऊँगी, मैं कल बनाऊँगी, कल शाम को बनाऊँगी। सोचिए थोड़ी दाल बना लूँ और वो शाम को भी चल जाएगी, क्योंकि मुझसे दो दो हरी सब्जी झेली नहीं जाएंगी। दही भी रखा है बट हरी हरी सब्जी। आईज क्लोज, फेस वॉश हो रहा है। किससे वॉश हो रहा है? मम्मा के फेस वॉश से। आपने ये लिया है? वेरी नाइस, मिर्ची लग जाएगी। चलो करो, पानी वेस्ट मत करो, करो करो, मम्मा हेल्प करे। हाँ तो ब्रश का फेस तो वॉश कर लेते पहले। चलो हो गया, करो अब रब करो स्लोली। अरे अरे ले ले ले, करो मम्मा हेल्प करो। चीक्स पे लगाओ, चीक्स पे, आईज क्लोज करके चीक्स पे। हाँ चीक्स पे रब करो। चूजे नहीं लगी, मम्मा हेल्प करती है। वेट आओ इधर आओ। हाँ हीरो इधर आओ। इधर आपके कपड़े गीले हो गए ना, क्लीन करने दो थोड़ा। न्यू कपड़ा, न्यू दूसरी टी शर्ट पहना दूंगी, न्यू कपड़ा पहना दूंगी। नहीं नंगू पुंगू नहीं।
उतार रही। ये देखो मेरा यंग कुमार। मैं हर चीज़ पे वॉइस ओवर ये म्यूज़िक नहीं डालती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग नॉर्मली देखें कि शौर्य और मैं क्या करते हैं एंड किस तरह से वो मम्मी से बातें बनाता है, जो भी बेसिक हम एक्टिविटीज़ करते हैं वो आप सब देखें। ये लो इसको क्लीन करने का। बेन हाँ बेन मम्मी जब क्या आई थी किप नहीं क्या डंडा ये डंडा है इससे किसकी पिट्टू होगी डंडा है। देखिए फ्रेंड्स शौर्य ने बनाए, ये क्या बनाया है शौर्य आपने? पापा। क्या बनाया है? पापा। शौर्य ने बनाए अपने पापा। हाँ वो तो बताता है। हाँ बताता है। हाँ बताओ अभी अभी एक मिनट। सो ये मेरा खाना लौकी टमाटर वाली लौकी और रोटियाँ एंड मेरे फ़ोन में बिल्कुल बैटरी नहीं है, वो चार्ज हो रहा है, तो शाम तक मिलूँगी मैं आपसे जब तक ये चार्ज हो जाए अच्छे से। फ्रेंड्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दो समर स्पेशल ड्रिंक्स, तो प्लीज़ चेकआउट कीजिए। वनीला मिल्क शेक घर पर ही, उसे बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया एक ग्लास चिल्ड दूध, दो चम्मच पिसी हुई चीनी और वनीला आइसक्रीम। ये 10 रुपये वाला कप है, ये मैंने यूज़ किया है। आपके पास अगर वनीला एसेंस अवेलेबल होता है वो यूज़ कर सकते हैं और चाहें तो इन दोनों ही चीज़ों को मिक्स कर सकते हैं बहुत ही अच्छा वनीला फ्लेवर लाने के लिए। तो अब इस मिल्क को मैं डाल दूंगी एक ब्लेंडिंग जार में, इसी में मैं डालूंगी चीनी। पिसी हुई चीनी आप हमेशा यूज़ कीजिए क्योंकि ये बहुत ईजिली घुल जाती है एंड टाइम भी नहीं लेती। इसके बाद मैं डाल रही हूँ इसके अंदर अराउंड ये 1 स्कूप आइसक्रीम है, आपको मैंने जैसे बताया आप वनीला एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं। इसको ब्लेंड कर लिया है मैंने एंड अब ये बनके तैयार है। मैं इसे सर्व करूँगी एक ग्लास में, इसके ऊपर से मैं इसमें डालूँगी खूब सारे आइस क्यूब्स, ठंडा ठंडा वनीला मिल्क शेक। ये आप इस तरह से प्रिपेयर कीजिए, आपकी फैमिली मेम्बर्स और आपको बच्चों को बहुत पसंद आएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। एक ऐसा ड्रिंक जो हमें लू से बचाएगा, जैसे हम कभी बाहर जाते हैं और लू लग जाती है तो ये ड्रिंक ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसके लिए मैंने यहाँ लिया है ग्लूकॉन डी, आधी चम्मच काला नमक, 1 चम्मच पिसी हुई चीनी और 1 नींबू का रस। अब मैं ग्लूकॉन डी की 2 स्पून्स को लूंगी और 1 ग्लास में डाल दूंगी। इस तरह से मैंने यहाँ पे 1 ग्लास लिया, इसके अंदर मैं ग्लूकॉन डी डाल दूंगी। अगर आपके पास व्हाइट वाला नहीं हो, ऑरेंज वाला हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मेन पर्पस होता है कि आपके पेट में ग्लूकोज जाए और आपको डिहाइड्रेशन और पानी की कमी ना हो। उसके बाद मैं नमक और चीनी भी ऐड कर दूंगी, फिर हम इसमें नींबू का रस ऐड करेंगे, इसको अच्छे से फेंट लेंगे। इसके अंदर हम डालेंगे बिल्कुल ही चिल्ड वाटर। जी हाँ, आपको इसे सर्व करना है बिल्कुल ठंडे पानी से, तभी आपको गर्मी में लू से बचाएगा। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब ये हमारा जो ड्रिंक है ये बनके तैयार है। अब इसे मैं सर्व करूंगी एक ग्लास में। इसको डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी खूब सारी आइस क्यूब्स। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो खूब सारा ठंडा पानी और आइस क्यूब डाल के इसे अपने साथ ले जा सकते हैं। होप ये वीडियो हेल्पफुल रही हो। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, अब मैं आपको मिल रही हूँ, करीब 4 बज रहे हैं एंड शौर्य सो गया है। जस्ट अभी मैंने एक वीडियो शूट की है, आप देख सकते हो मेरे बालों में ऑयल लगा हुआ है। मैंने एक हेयर ऑयलिंग की वीडियो शूट की, काफ़ी दिन से पेंडिंग थी, मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी एंड आज मुझे मौका लगा तो मैंने कर ली। तो वो आप चेकआउट कर लीजिएगा, इससे पहले होपफुली आ जाएगी क्योंकि मेरी वीडियोज थोड़ी पेंडिंग में चलती रहती हैं तो इस वजह से।
एंड आज मैं सोच रही हूँ कुछ डिनर वगैरह आपसे शेयर नहीं करती हूँ, आज ना हम बैठ के चुगली करते हैं यूट्यूब पे चल रही बसर की, ठीक है? तो आप लोग भी मेरा साथ देना, एंड जैसे कॉलोनी की औरतें होती हैं ना, पंचायती करती हैं, अरे इसने वो किया उसने वो किया, ऐसे आज हम भी करते हैं। मैं करेंटली तो ये कैमरे पर ही कर रही हूँ, बट मुझे पता है कि आप लोग ज़रूर रिस्पॉन्ड करोगे एंड कुछ ना कुछ तो आप लोग भी रिएक्शन दोगे। तो चलो मैं आपको एक दो यूट्यूबर्स के बारे में बताती हूँ कि मेरा क्या क्या व्यू पॉइंट है। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ी यूट्यूबर, मतलब और भी उनसे बड़ी है, बट मुझे लगता है कि हाँ उन्होंने अपना काफ़ी जल्दी 2 साल में फेम कमाया है, एंड उनका जो क्या बोलूँ, मुझे डर लगता है किसी के बारे में बोलने से, इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ, बट कभी कभार होता है ना गॉसिपिंग करते हैं, तो इसलिए मैं गॉसिप कर रही हूँ। तो रेखा जिनका नाम है, उन्होंने काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाई हैं, बहुत मीन्स जिस टॉपिक के बारे में हम बात भी नहीं करते हैं ना, उस पर उन्होंने वीडियो बनाई है इन डिटेल। तो भाई देखिए, दुनिया में हर तरह के लोग हैं, भांति भांति के लोग हैं, किसको क्या कैसे अच्छा लगता है वो उन पर डिपेंड करता है, बट मैंने जितनी उनकी वीडियोज़ देखी है, ऑब्वियसली उनका इंटेंशन होता है वुमेन अवेयरनेस के रिगार्डिंग, सबको अवेयर कर सकें, सबको अच्छे से अच्छी लेडीज़ को, स्पेशल वुमेन्स, गर्ल्स, टीनेजर्स को, जो चीज़ें ऐसी हैं जो उनको पता भी नहीं है, जिनके बारे में उन्हें समझ नहीं है, उसके बारे में उनको इन्फॉर्मेशन दे सके, और बहुत अच्छे वर्ड्स में समझाती आई हैं। तो वो कोई उसमें कोई बुराई नहीं है, वो मैं तो कहती हूँ वो इतनी बोल्ड हैं कि वो इस चीज़ पे, टॉपिक पे, इस पे डिस्कस कर पाई। एंड अभी एक भसड़ हो चुकी है उनके बारे में, एक वीडियो उन्होंने बनाया था, मैंने कल ही देखा है, कि लोग का नाम यूज़ कर करके अपना फेम कमा रहे हैं, और नेगेटिव सेंस में उनका टाइटल एंड फोटो यूज़ करते हैं, थंबनेल यूज़ करते हैं, अंदर ठीक ठाक बोलते हैं, मतलब अच्छा भी नहीं बोलते हैं लेकिन ठीक ठाक बोलते हैं। तो उनको काफ़ी बुरा लगा है कि आप मेरा एक तो टाइटल यूज़ करते हो, फोटो यूज़ करते हो, उसके बावजूद आप मेरी बुराइयाँ कर रहे हो और इस तरह से कर रहे हो, तो उनको वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है। तो मैं तो भैया ना इस टाइटल में ना किसी चीज़ में उनका नाम लिखने वाली हूँ, मैं ये फेम के लिए नहीं कर रही हूँ, जस्ट मैंने कहा ना गॉसिपिंग करते हैं, तो इस वजह से। एंड मुझे अच्छे से याद है, मैं इसलिए आपसे शेयर कर रही हूँ क्योंकि एक बार की बात है, वो जब ससुराल गई थी ना, तो उनको काफ़ी लोग कमेंट करते थे कि आप इस तरह के टॉपिक्स पे वीडियो बनाती हो, आपको शर्म नहीं आती, आपके ससुराल वाले कुछ बोलते नहीं, आपके पति, आपकी सास, फला डिमा, बहुत डायलॉग हुए थे। तो उन्होंने अपनी सास से बात कराई थी, मतलब उन्होंने सास का इंटरव्यू दिलाया था कि मेरी सास का क्या रिएक्शन होता है, तो उनकी सास जो है ना रोने लगी थी। अगर आप उनका चैनल चेकआउट करोगे, एक साल पुरानी वीडियो होगी, जब उनकी सास लिटरली रोने लगी थी कि नहीं, मैं तो, मुझे तो बहुत प्राउड है कि मेरी बहू इस तरह की चीज़ों के बारे में बोल पाती है, जिस चीज़ों हमें पता भी नहीं थी, और आज कोई इतना है कि इस चीज़ों के बारे में किसी को समझा सकता है, तो मुझे इसमें शर्म क्यों आएगी या मुझे क्यों बुरा लगेगा, मुझे तो बहुत प्राउड है मेरी बहू पर। तो इस तरह से था। तो देखिए लोगों की मेंटालिटी की बात होती है। तो उनके ससुराल वालों ने, उनके हस्बैंड ने, सब ने एक्सेप्ट किया हुआ है, एंड इतनी पब्लिक दीवानी है, उनकी मिलियन में सब्सक्राइबर्स हैं, तो कुछ गलत नहीं होगा। एक बंदी ने उंगली उठा दी और वो काफ़ी हर्टफुल रहा उनके लिए, बट उनके सब्सक्राइबर्स जानते हैं, हम जैसे लोग जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ अवेयरनेस के इंटेंशन से करती है, कोई वल्गैरिटी या अश्लीलता के सेंस में नहीं करती है। तो चलो एक की गॉसिप हो गई। दूसरा तो प्रियादीप, जिसके सपोर्ट में मैंने एक वीडियो बनाई थी, एंड प्रियादीप मुझे रियली बहुत अच्छी लगती है। मैं रेगुलरली उनकी सारी वीडियोस देख रही हूँ, जब से वो इंसिडेंट हुआ है ना, मैं सारे वीडियोस उनके चेक करती हूँ। उनका मेकअप तो माशाल्लाह है, सच्ची बता रही हूँ, वो बंदी इतना अमेजिंग मेकअप करती है ना। एंड सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप जब भी उन्हें कमेंट करोगे ना, वो ऐसा कोई कमेंट नहीं होगा जिसको वो रिप्लाई ना करें। हाँ, नेगेटिव को हो सकता है वो स्किप कर जाएं, बट मुझे तो वो कभी ऐसा कोई कमेंट नहीं होता रिप्लाई ना करें। मीन्स विद इन अ मिनट तो हार्ट मिल जाता है, जैसे ही मैंने टाइप किया उसके विद इन 10 to 15 seconds में हार्ट आ जाता है। ये सोचो, इतनी बड़ी यूट्यूबर होके भी सब वीडियोज़ पे, सारे कमेंट्स पे रिस्पॉन्ड करती है, एंड जहाँ रिप्लाई देने का होता है वहाँ रिप्लाई भी करती है। तो अभी वो अपनी एक दूसरी यूट्यूबर मेघा से मिली थी, बहुत अच्छे अच्छे उन दोनों ने व्लॉग्स डाले, बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे वो देख के कि देखो पहले कभी मिली नहीं और दोनों एक दूसरे से इतने अच्छे से कनेक्ट हैं। ये इतना अच्छा कनेक्शन इसीलिए आ पाता है क्योंकि कुछ लोगों का एक नेचर होता है, एक बिहेवियर होता है, तो कनेक्शन बन जाता है। तो उन दोनों के बीच भी वही था, एंड बहुत अच्छा लगा मुझे वो देख के। तो मैंने भी उनसे कहा कभी आप आगरा हो तो बिल्कुल मिलना, तो उन्होंने रिप्लाई किया कि हाँ जी जब आएंगे तब आपको बता देंगे। उसके बाद मैंने ये भी बोला कि ठीक है, अगर कभी मेरा लखनऊ आने का मौका मिला तो मैं भी आपसे मिलना चाहूँगी। उसने कहा प्लीज़ ज़रूर बताना, मैं भी मिलूँगी। तो ये आप समझ रहे हो, उस बंदी ने, मैंने बोला आगरा ना, हाँ बिल्कुल आएंगे, जब आएंगे तो मिलेंगे, उसने दोनों ही एस्पेक्ट्स में मुझे अच्छा जवाब दिया। मिलना ना मिलना वो सेकेंडरी चीज़ है, मौका पड़ा तो ज़रूर मिलूंगी, बिल्कुल मिलूंगी, बट लखनऊ यहाँ से बहुत दूर है और मेरी एक दोस्त वहाँ रहती है, वो शादी कर ले तो मैं मिलूँ, बहन शादी कर ले जल्दी कर ले, मैं बड़े इंतज़ार में उसकी शादी के लिए। तो उसकी शादी जब भी होगी तब मैं लखनऊ जाऊँगी, वहाँ तब उनसे ज़रूर मिलूँगी, पूरी कोशिश करूँगी मिलने की। अब बाकी वो सिचुएशन बताएगी, बट एक
एक होता है ना इंसान एक अच्छी वाइब्स देता है आपको, बस वही एक पॉजिटिव वाइब मुझे उस बंदी से मिली। तो एक ये हो गया, और इंडियन मॉम स्टूडियो नाम मैं ले सकती हूँ, मुझे पता है वो मुझे कोई कॉपीराइट नहीं देने वाली है। रीमा वो भी बहुत अच्छी है, स्टार्टिंग से मैं उन्हें फॉलो करती आई हूँ, और वो भी मेरे मोस्ट ऑफ़ दी वीडियोस देखती हैं, कभी कमेंट करती हैं कभी नहीं करती हैं। उन्होंने भी हमेशा मेरा साथ दिया है, वो नोएडा में रहती हैं, बहुत अच्छे अच्छे अमेजिंग वीडियोज़ एंड बहुत ही अच्छी अच्छी कुकिंग है। अभी उनकी बेटी कशिश ने भी आज ही न्यू चैनल खोला है, आप वो चेकआउट कर लेना, ट्राई ट्राई इट ऑन करके है कुछ। हाँ, सरोजनी नगर हॉल डाली थी मैंने, वो भी देख ली। तो ये पता है यहाँ पे जो कनेक्शन होता है ना, ये सब्सक्राइबर्स या व्यूअर्स वाला नहीं होता, ये यूट्यूबर वाला कनेक्शन होता है जो मेरे को उनसे है। इसी ये तो पॉजिटिव हो गया, उसके अलावा भावना और अनुप्रिया ये तो है ही मेरी फ्रेंड्स। अनुप्रिया से तो मैं रेगुलरली टच में रहती हूँ, वो मुझे बहुत बहुत गाइड करती है, बहुत हेल्प करती है। ठीक है, ये सारे पॉजिटिव सब्सक्राइबर्स हैं। और शिल्पी मैं आपको सब बता रही हूँ किस सब्सक्राइब किस यूट्यूबर से मेरा कैसा रिलेशनशिप है। और बाकी बची शिल्पी, शिल्पी जो कि कुवैत में रहती हैं, वो कुवैत से रिलेटेड वीडियोस बनाती हैं, आगरा की हैं, इनके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो इस तरह से एक पॉजिटिव नोट पे इन सब से मैं कनेक्टेड हूँ, 2 साल हो गए हैं। ऑब्वियसली मैं यूट्यूब नहीं छोड़ना चाहती हूँ, मेरे कुछ फ्रेंड्स बने, एक पॉजिटिव अच्छी अच्छी चीज़ें मुझे मिलती हैं उन लोगों से। तो और एक वो मैडम थी जो आगरा की थी, जिन्होंने अब तो पता है आप मानोगे नहीं, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, उसको मेरा इतना टेरर है कि उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, बाढ़ में जाए मैं सच्ची, उसका तो मैं नाम भी नहीं लेना चाहती। तो चलो फ्रेंड्स, आज की हो गई गॉसिप खत्म, और कर रही हूँ मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, क्योंकि मैं थक गई हूँ, अभी एक वीडियो शूट की, अब शौर्य सो रहा है तो मेरा भी मन कर रहा है मैं सो जाऊँ। एंड फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो बताइएगा, एंड जो जो मैंने यूट्यूबर्स के नाम लिए आप सबको जाके सब्सक्राइब कर लो, सिवाय उसके करना हो तो कर लो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो सबको सब्सक्राइब कर लेना, एंड आप लोगों को ये सारे यूट्यूबर्स कैसे लगते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बाद में मिलेंगे, अब मैं भी सो जाती हूँ।